गच्छ लगेबारे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुए किंतु अमर जो ग्राउंड वाटर सेटा पाखा पे 70 80 फुट रहे हम हमको मिलुची नीलगिरी गच्छ रो चेरो मैक्सिमम 7 8 फुट 10 फुट हो जो की वाटर स्कैसिटी अछि सेठी नीलगिरी गच्छ बैन करा जाय साइंटिफिकली एटा बैन करर आवश्यकता नाही किंतु नीलगिरी गच्छ गोटा एकर आपण लगे यति पैसा पाइबे गोटा एकर आपण ड्रिप इरिगेशन करबा करंतु तार 3 टाइम्स हो जिन काम तो हमारे नवरंगपुर में बहुत मोर ना जानत रे अधिकांश नीलगिरी चाषी पतन जो लगेतले ताड़ी करी चाष पर का चाष आसी ए जो बरागले बलगले में जाईतले हमरो राई घर में ग्रीवांस दिला वो जो बटे दे गले इवन छोटा छोटा चाषी रायगर ब्लॉक रे सुनन प्लास्टिक मल्चिंग में चाष कर मक्का ड्रिप इरिगेशन रहो मोर समस्या हो उमरकोट रो ऊपर जो पांच का चारटा ब्लॉक रह गेला रायगर उमरकोट झरिका किछ पार दाबुगा सेठी चासर टिके बड़ बड़ पैच में देखी पड़िया वर्तन मॉडर्न डिग्री पंच का से तेनो नीलगिरी ता समस्या नै लेकिन प्रथम तो बैन करा जाय नै सरकार बैन करि नहन बैन करिवारो वर्तन आवश्यकता नै वर्तन आवश्यकता होछ कोन ग्राउंड वाटर रिचार्ज करिवा कारण हम ग्राउंड वाटर बहुत उठो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट गुड़ा बर्तन चली किसी परिमाण ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंस कमी किंतु जो जगह हम ग्राउंड वाटर उठाऊ से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग दर आम यदि फार्म फॉर्म करवा ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग आम फैसिलिट करा रमास्टा को कमे दबा से बहुत समय मैं नवरंगपुर विधायक संघ विषय आलोचना कर सारी जे सरकार को आम जो नाल सब अच्छी भितर चेक डैम करने आमको आउ दि प्रति 2 किलोमीटर रे गोटे गोटे चेक डैम कले मतलब सेठी वाटर फंडिंग हम किसी पर ना हमारा रनअप टाइम चेक कर दिया सेठे रे हमर ग्राउंड वाटर रे रिचार्जिंग हम एवं नीलगिरी चाष जो चाषी करू छी अनेक छी करि पाबो बोली कहू छी यदि ताको हमें अलग बाटो बनाइ आसीबा ए उमर आखरे पाखे के चाहे 50 60 100 एकर में दर्शु त गला वर्ष त नीलगिरी तला डेढ़ वर्ष त नीलगिरी तला वर्ष नाही पड़े इसलिए नहीं को से रास्ता गला को जो जगह नीलगिरी थी मतलब 10 एकर आने चाषी चाष कर